हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल पीके स्टडी नंबर वन पे। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को समानता श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को सोल्यूशन आराम से हो सके और जानकारी पूरी तरह से मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी के पूछे गए पदों को ज्ञात करना है ना। तो 5.1 का देखना है तो मेरा जो पिछले वीडियो में डाले हैं तो खोल के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि बोल रहा है कि नंबर वन क्वेश्चन कह रहा है कि इतना दिया हुआ है 1, 6, 11, 16... इतना। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले नंबर वन करेंगे कि 1, 6, 11, 16 ये जानेंगे। T61 का मान ज्ञात करना, बोल रहा है एपी के पूछे गए पदों को ज्ञात करना। ठीक है, तो पद मतलब क्या होता है, अगले वीडियो में बता दिया था ना। पद को क्या बोलते हैं, संख्या, यानी कि बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ करेंगे कि क्या, सबसे पहले ए टी एन निकालेंगे। टी एन का निकालने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है ए तो निकल गया, डी निकालना है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, टी टू घटा टी वन। तो टी टू कितना है, 6 है, 6 घटा कितना हो जाएगा, 1, तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। टी टू डी मेरा कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब निकालना क्या है कि एन, तो एन मतलब ये दिया हुआ है, तो एन बराबर कितना है, 61, और टी 61 निकालना है, तो टी 61 बराबर वाट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। तो इसलिए सूत्र क्या होता है कि टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ करेंगे ए मेरा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 प्लस एन कितना है, देखिए 61, तो 61 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया ना। तो देखिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, इस 61 में 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 कर देंगे, 60 ब्रैकेट जब टूटेगा तो मतलब हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में मतलब इंटू में पड़ा हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा, इतना। तो यहाँ 1 प्लस 56 30, मतलब 60 गुना 5 करेंगे तो आपका 300 आएगा, कितना आएगा, 300 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 300 हो गया, तो 300 और 1 जोड़ देंगे, तो जोड़ने तो जानते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक नंबर क्लियर हो गया, एक नंबर समझ में आ गया ना। चलते हैं दो नंबर की ओर। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले इसमें दे दिया है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टी एन ज्ञात करना और टी टेन भी ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है कि दो नंबर का सोल्व कर रहे हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर 3, डी बराबर 2, टी एन बराबर और टी टेन बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम बच्चे लोग? यस सर। चलिए, ये समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ए दिया क्या निकालना है, टी एन, तो टी एन सूत्र रख देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है ना तुम बच्चे लोग? यस सर। ये होता है, देखिए समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा कि 3 प्लस एन, देखो एन यहाँ क्या कर रहे हैं, टी एन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टी एन। ठीक है, तो टी एन निकाल रहे हैं तो एन यहाँ नहीं दिया हुआ, तो एन वहाँ भी नहीं रखेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ एन माइनस वन इंटू डी, तो डी मेरा कितना हुआ है, 2, तो 3 प्लस है ना, तो 3 प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, 2n माइनस 2, तो 3 में से 2 चला जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ लिखेंगे 2n प्लस 1 लिख देंगे, आपका tn आ गया, क्या आ गया, tn आ गया है ना। अब निकालेंगे t10, तो t10 निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे t10 निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस 9d, a प्लस क्या रख देंगे, सूत्र क्या रख देंगे दोस्तों, a प्लस 9d, इतना रखिएगा ना, शॉर्टकट में बन जाएगा, पर सूत्र से यही फॉर्मूला पे रखिएगा। तो यहाँ t10 तो n तो दिया हुआ, इसी तरह हम बनाएंगे, t10 निकालने के लिए t61 था, तो इस तरह निकालेंगे, लेकिन t10 निकालने के लिए शॉर्टकट जानेंगे क्या,
कि ए प्लस क्या होता है, नाइन डी होता है फॉर्मूला। तो ये रखेंगे ए मेरा कितना दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, तीन प्लस नौ इंटू डी, तो डी कितना है दो, तो नौ दुनी कितना होता है अठारह, और नौ दुनी अठारह, अठारह तीन हो गया इक्कीस। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना बच्चे लोग? यस सर। आ गया, देखिए समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। और आपको उतारना है तो वीडियो को स्टॉप कर लें ताकि आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तीन देखिए, नंबर तीन में क्या कह रहा है कि माइनस एक बटे टू और टू और माइनस टी ग्यारह, यही कह रहा है ना, तो ये निकालना है। देखिए आसान से, वीडियो पर बने रहे, दो सेकंड में उड़ा देंगे, समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस तीन, डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा क्या हो जाएगा पहला पद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस एक बटे टू और माइनस करेंगे तो कितना करेंगे, माइनस, तो माइनस यहाँ कर देंगे तो घटाएंगे, क्या हो जाएगा घटाएंगे, तो जब घटाएंगे माइनस तीन को तो माइनस तीन इस तरह हो जाएगा, हो गया ना, है घटा रहे, तो सबसे पहले इस तरह घटाएंगे तो माइनस एक बटे टू, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, थ्री बटे एक हो जाएगा, हो गया ना, समझ में आ गया। तो देखिए तो क्या होगा, तीन दूनी छः, तो माइनस एक प्लस छः बटे दो हो जाएगा, तो कितना होगा पाँच बटे दो, आपका डी निकला कितना पाँच बटे दो। तो क्या निकालना है, डी निकल गया, एन मेरा दिया हुआ है ग्यारह, तो टी ग्यारह बराबर क्या करेंगे भाट करेंगे, मतलब ये निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए कि फॉर्मूला जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, पता है ना बच्चे लोग, समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना इतना होता है। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ क्या करेंगे, क्या माइनस तीन प्लस, देखिए यहाँ क्या निकालना है, टी ग्यारह, टी ग्यारह, टी ग्यारह करना है ना। तो सबसे पहले टी ग्यारह करना है, तो यहाँ देखिए माइनस तीन प्लस ग्यारह घटा वन और हो जाएगा पांच बटे दो हो जाएगा, पांच बटे दो हो जाएगा, तो से क्या हो जाएगा माइनस तीन प्लस हो जाएगा, और ग्यारह में से एक जाएगा कितना बचेगा, दस बच जाएगा, दस गुना पांच बटे दो, दो पंचे दस हो गया, और माइनस तीन प्लस हो जाएगा पचे पच्चीस हो जाएगा, बराबर पच्चीस में से तीन चला जाएगा तो कितना बचेगा बाईस, बाईस हो गया, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तरह कह रहा है जो दो का कह रहा था, वही चार नंबर कह रहा है ना। तो वीडियो पर बने रहे, देखिए सबसे पहले देखिएगा कि अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, तीन का क्लियर हो गया है। अब चार का देखते हैं कि चार नंबर कह रहा है कि ए बराबर टू और डी बराबर फाइव, तो टी एन और टी पच्चीस निकालना है ना, निकालना ना। तो देखिए सबसे पहले यहां देखिए सॉल्यूशन ऑफ डेट, ए बराबर कितना दिया हुआ है टू, डी बराबर कितना दिया हुआ है फाइव, निकालना क्या टी एन है ना, तो टी एन निकालेंगे, तो टी एन बराबर सूत्र क्या होगा कि टी एन बराबर सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, ये होगा। सबसे पहले ये जानेंगे तो क्या होगा कि टी एन, तो टी एन मेरा निकालना है, क्या निकालना है टी एन ही निकालना है, तो टी एन बराबर क्या होगा कि ए तो टू प्लस एन, टू प्लस एन, टू प्लस एन क्या हो जाएगा, यह देखो एन माइनस वन इंटू डी, और डी कितना है फाइव, डी कितना है फाइव, डी कितना है फाइव, तो ये क्या होगा कि टू प्लस फाइव गुना एन, फाइव एन माइनस फाइव, तो कितना होगा कि फाइव माइन फाइव एन माइनस थ्री हो जाएगा, फाइव एन माइनस कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चे लोग, यस सर। देखिए यहाँ देख लीजिए कि क्या बोला है, टी फाइव बोल रहा है, टी ट्वेंटी फाइव, टी कितना बोला है ट्वेंटी फाइव, तो टी ट्वेंटी फाइव निकालने के लिए तो फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए,
क्या बताएं कि सबसे पहले यहाँ रखना है a प्लस 24d, a प्लस 24d, तो a प्लस 24d हो जाएगा। तो कितना होगा कि a कितना मेरा देख लीजिए दो है, दो प्लस 24, 24 गुना 5 है, 24 गुना 5, तो दो प्लस 24 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा कि देख लीजिए 20 × 5 = 100, 4 × 5 = 120 होता है, 120 होता है, 120 और दो जोड़ देंगे तो कितना होगा 122 होगा। समझ में आ गया? आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों पे शेयर करें और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।